हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल बियर्ड एंड हेयर स्टाइल में। एंड आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बियर्डो के हेयर सीरम के बारे में। इस वीडियो में हम करने वाले हैं इसका रिव्यू अच्छी तरीके से कि ये प्रोडक्ट कैसा है और सीरम बेसिकली होता क्या है, सीरम और वैक्स में फ़र्क क्या है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है। अब शुरू करते हैं वीडियो को बिना देर किए। सो गाइस, सबसे पहले बात करी जाए कि बियर्डो का जो ये हेयर सीरम है, ये एक्चुअली होता कैसा है। ऑयल की तरह होता है, इसमें काफ़ी सारे ऑयल्स यूज भी करे गए हैं, जैसे कि आर्गन ऑयल, आमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल। सो बेसिकली ये ऑयल की कैटेगरी में आता है। गाइस, ऑयल के साथ साथ इसके अंदर काफ़ी सारे केमिकल्स भी यूज हुए हैं, तो ये एक नेचुरल प्रोडक्ट में तो बिल्कुल भी काउंट नहीं होता है। सो गाइस, बियर्डो वाले अपने हेयर सीरम में क्लेम करते हैं तीन चीज़ें। पहला, शाइनी हेयर्स, दूसरा, स्मूदर हेयर्स, और तीसरा, स्ट्रॉन्गर हेयर्स। लेकिन क्या ये प्रोडक्ट इन तीनों ही चीज़ों पर खरा उतरता है या नहीं, चलिए जानते हैं। शाइन की बात करें तो काफ़ी हद तक ये हमारे हेयर्स को अच्छा शाइन प्रोवाइड करता है, और अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो अराउंड 2 to 3 hours तक ये हमारे हेयर्स को अच्छा शाइन देता है। प्लस स्मूदनेस, तो स्मूदनेस भी ये हमारे हेयर्स को प्रोवाइड करता है काफ़ी अच्छी तरीके से। अराउंड 4 to 6 hours तक हमारे हेयर्स अच्छे खासे स्मूद रहते हैं इसे लगाने के बाद। और तीसरा ये क्लेम करता है स्ट्रॉन्ग हेयर्स, जो कि मैंने इसे 15 डेज यूज़ किया है, मुझे नहीं फील हुआ है बिल्कुल भी। 15 दिनों में तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है मेरे अकॉर्डिंग। इस क्लेम पे ये खरा नहीं उतरता है। अगर आप लोगों को शाइनी और स्मूथ हेयर्स पसंद है तो मैं आप लोगों को पूरी तरीके से रिकमेंड करूंगा ये प्रोडक्ट, आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड गाइस, कुछ कमेंट्स आए थे कि हेयर वैक्स और हेयर सीरम में क्या डिफरेंस होता है। सो हेयर वैक्स जो होता है वो हमारे हेयर्स को सिर्फ सेट करने का काम करता है, लेकिन हेयर सीरम जो होता है वो हमारे हेयर्स को सेट करने के साथ साथ नरिशमेंट भी देता है। हेयर सीरम को ऑयल की तरह यूज़ करना चाहिए आप लोगों को, बाल सेट भी करता है और साथ साथ नरिश भी करता है। बाकी प्राइस की बात करी जाए तो ये 50 ml का पैक है और इसका MRP है 295 rupees। चलिए अब जल्दी से इसको अप्लाई भी कर लेते हैं। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को बियर्डो का हेयर सीरम परचेस करना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बियर्डो की साइट का भी है। ऑफिशियल साइट से करना ऑफिशियल से कर लेना, फ्लिपकार्ट अमेजोन जैसी साइट से करना उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, जितना हो सके वीडियो को शेयर जरूर कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल, अगर आप लोग चाहो तो मुझे वहाँ जाके फॉलो कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे ब्लॉग चैनल का भी, वहाँ जाके भी सब्सक्राइब कर लो यार और जुड़ जाओ, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मजा कर रहे हैं हम आजकल। बाकी अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा देना। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।